मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज मैं इंजन के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो इंजन क्या होता है? इंजन एक हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बदलता है और इसके द्वारा भिन्न भिन्न गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टेम्पू आज चलाए जाते हैं, चलते हैं। और इसके भागों के नाम मैं अभी बताऊंगा ही। इससे पहले मैं बताऊंगा कि इसके जो कि इंजन का आविष्कार डॉक्टर रुडॉल्फ ने किया था और इसके साथ साथ यह बताऊंगा, इनको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइएगा और RTI में जो कर रहे हैं उन छात्रों को विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे ट्रैक्टर मैकेनिक हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो। तो इसके बाद हम ले चलते हैं वर्षाब में सीधा प्रसारण करने के लिए और दिखाऊंगा कौन कौन से इंजन होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसके बारे में दिखाऊंगा। और यह वीडियो टॉप सर्विस के बारे में बताया जाएगा। टॉप सर्विस क्या होता है और इसको इसको द्वारा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और इनको वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर बताइएगा। ओके, आज मैं आपको डीजल पेट्रोल इंजन का भागों के नाम और कार बताऊं क्या क्या काम होते हैं, ध्यान से देखिएगा और इसको फिटिंग भी करना सिखाऊंगा। ये है पेट्रोल इंजन है, जो इसके जो अलग अलग पार्ट है, जैसे कि एक पिस्टन है जिसमें जिसमें कि रिंग लगे हैं और पिस्टन है, यहाँ गजेंटर है। इसी तरह यहाँ पर ये आपका हेड है, इसमें स्पार्क प्लग लगे हुए हैं और इस ये आपका हेड है, इसके ये आप देख रहे हैं ये फिन्स है। इसी के अंदर में ये देखिए ये ब्लॉक है, इसके अंदर ये बोर है और ये साइलेंसर के लिए है, जिस साइलेंसर में जो लगाया जाता है ये पार्ट है जिसके द्वारा पाइप लगाए जाते हैं। ये है और फिर से मैं रिपीट करते रहा हूँ। सब प्रथम देखिएगा ये बड़ा ये कैसे शुरुआत किया जाएगा, ये इसके अंदर रहता है, इस तरह से और अंदर रहता है, तो इसके अंदर से ये यह इसके अंदर इसे फिट हो जाता है। क्रम बाय क्रम देखिएगा और करिएगा, इसमें लगाते समय ध्यान रखिएगा कि ये सीज हो जाएंगे, जो इस तरह से फिट होगा, जो फिट होगा और इसको आप जब भी लगाइएगा कार करते समय आज जरूर लगा सकते हैं। रिंग लगाते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं इसको रिंग एक साइड जो रिंग आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ध्यान से इसको करिएगा। इसी है जिसके द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो खरोच आए हैं, खरोच आए हैं इसको बोरिंग जरूर करा लीजिएगा। ये बोर करा लीजिएगा, इधर से बोर करा लीजिएगा, यहाँ बोर करा लीजिए। देखिए स्क्रेच आए हैं, जो हल्का सा स्क्रेच आए हैं, जिसके द्वारा ये बोर जरूर करा लीजिएगा। ये सीज है, इंजन है, प्लास है, जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। चलिए मैं फिर एक बार दोबारा पार्ट का नंबर दे रहा हूँ। ये आपका सिलेंडर हेड है, ये स्पार्क प्लग है, ये पिस्टन है, यह रिंग है, ये ब्लॉक है, ये फिन्स है, ये साइलेंसर है, आज के लिए है। चलिए आगे मैं वीडियो आगे बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। ओके।